आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। शुक्रवार 15 सितंबर 2023 को जबरदस्त तरीके से बारिश हुई और बारिश का शहर में जो जलाल था वो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला अपने दामन में गौरवशाली इतिहास को संजोए हुए है और मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला का ये फुटबॉल का मैदान आपको दिखाई दे रहा होगा। फुटबॉल मैदान के पास जो गेट लगा हुआ है गांधी भवन की तरफ, गांधी भवन के सिरे पर जो गेट है, गेट पर आप देख सकते हैं गेट लगभग 10 से 11 इंच पानी में डूबा हुआ नजर आ रहा होगा। कितना पानी यहाँ गिरा है। दरअसल मिशन स्कूल में जब भी बारिश होती है तो मिशन स्कूल का मैदान पूरी तरह सराबोर हो जाता है पानी से। उसका कारण सिर्फ इतना है कि शहर में नालियाँ बराबर तरीके से नहीं बनाई गई हैं। नगरपालिका परिषद का पूरा ध्यान निर्माण की ओर, निर्माण अर्थात सड़क निर्माण की ओर है, इसके अलावा खरीदी की ओर है। बुनियादी सुविधाओं से मानो नगरपालिका परिषद को कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नगरपालिका परिषद हो या कांग्रेस नगरपालिका परिषद पर काबिज हो, हर समय नागरिकों ने यही पाया है कि खरीदी, इसके अलावा नगरपालिका परिषद को बहुत ज़्यादा बुनियादी सुविधाओं से सरोकार नहीं नज़र आता है। इतना ये पानी भरा हुआ है। दरअसल पानी निकले तो निकले कहाँ, सिवनी में अभियंता दिवस 15 सितंबर को, अभियंता दिवस पर यहाँ किस कदर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। सिवनी में नगर पालिका परिषद में अब तक पदस्थ रहे इंजीनियर्स किस तरीके की इंजीनियरिंग दिखाते आए हैं, किस तरीके की इंजीनियरिंग का चमत्कार दिखाते आए हैं, उसकी एक वानगी यहाँ आप देख सकते हैं। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला का मुख्य द्वार पानी भरा हुआ आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ दिखाई दे रहा होगा। पूरे का पूरा खेल का मैदान इस तरह प्रतीत हो रहा है मानो ये तालाब बन गया हो, तालाब में तब्दील हो गया होगा। इस मिशन स्कूल के इस मैदान का उपयोग फुटबॉल खेलने के लिए किया जाता था, एक समय में क्रिकेट की यहाँ प्रैक्टिस की जाती थी, पर अब यहाँ पर चार पहिया वाहन सीखे जाते हैं। नौसिखिया वाहन चालक यहाँ वाहन सीखते हैं, आपको नजर आते होंगे, देख सकते हैं सुबह सवेरे कितनी विडंबना आप देख सकते हैं। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला में जो भी अध्ययनरत रहे हैं छात्र, उन्हें याद होगा कि मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला में कभी भी इतना पानी नहीं भरता था। दरअसल पानी भरने का मुख्य कारण यहाँ पर नालियों का ना होना या जो पुरानी नालियाँ थीं उन नालियों को गायब हो जाना, उन नालियों का गायब हो जाना मुख्य एक समस्या के रूप में उभर कर सामने आया है। इस बात से कोई सरोकार नहीं है नगरपालिका परिषद को भी। नगरपालिका परिषद को देखना चाहिए कि मिशन स्कूल के चारों तरफ नाली हुआ करती थी, अच्छी चौड़ी और गहरी नाली हुआ करती थी। स्थिति क्या है मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला की, ये आगे देखिए, यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये एक वाहन बुलाया गया है, कमांडर वाहन बुलाया गया, और इस कमांडर वाहन में मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला की शिक्षिकाएं आपको यहाँ पर बैठते हुए दिखाई दे रही होंगी। शिक्षिकाएं यहाँ बैठ रही हैं और प्राचार्य स्वयं बाजू में खड़े हुए आपको दिख रहे होंगे। कमांडर के एक ओर प्राचार्य खड़े हुए हैं और कमांडर से अंदर जाने का प्रयास, अन्यथा सभी गीले हो जाएंगे, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। शिक्षक यहाँ पर बैठकर, कमांडर में बैठकर अंदर जाने के प्रयास में दिख रहे हैं। वैसे लोगों का कहना यह भी था कि अब मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला प्रबंधन को चाहिए कि वो यहाँ नाव की व्यवस्था भी कर ले, क्योंकि नगरपालिका परिषद कांग्रेस की है, भारतीय जनता पार्टी का शासन मध्य प्रदेश में है, विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, उसके बाद भी कुछ भी नहीं हो पा रहा है। साइकिल आप देखिए, आधी साइकिल आपको डूबी नजर आ रही होगी। भाजपा की सरकार, भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, और उसके बाद भी नालियों में नगरपालिका पर कोई उनका अंकुश नहीं रह गया है। देखिए यहाँ पर कमांडर के जरिए शिक्षक शिक्षिकाएं अंदर आ रहे हैं और विद्यार्थी तीन बैठकर यहां से बाहर निकलते हुए आपको दिख रहे होंगे। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। देखिए शिक्षिकाएं यहां पर आपको अंदर जाती हुई दिखाई दे रहे होंगे कमांडर जीप के जरिए। वास्तव में ये हास्यास्पद स्थिति है, विडंबना ही कही जाएगी। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक दिनेश राय भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। कांग्रेस शासित नगर पालिका परिषद होने के बाद भी कोई अंकुश नहीं है
नागरिक हलाकान हैं, परेशान हैं, पर भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक को इससे कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे को इससे कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर और दक्षिण मंडल के अध्यक्षों को कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष में बैठी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष राजकुमार खुराना को इससे कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष को भी इससे कोई सरोकार नजर नहीं आ रहा है। जनता बुरी तरह आज जा चुकी है। देखिए, नाली के ऊपर दुकानें बना दी गई, आखिर पानी निकले तो निकले कहां से। जनता त्राही माम करती नजर आ रही है, पर सियासतदारों को इससे कोई लेना देना नजर नहीं आ रहा है। अभी कुछ महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है, इसके बाद भी ना तो कांग्रेस ना ही भारतीय जनता पार्टी। देखिए, आपको हम दिखाएं, ये जो नाली बनी हुई है, नाली के वहां पर आप देख रहे होंगे काफ़ी कचरा एकत्र है और उसके ऊपर दुकानें बनी हुई हैं। ये देखिए, आधे टायर, आधे से ज़्यादा टायर आपको यहाँ डूबे नजर आ रहे होंगे मोटरसाइकिल के। साइकिल को भी आप देख सकते हैं कितनी डूबती हुई यहां दिखाई दे रही होगी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला का हम ये नजारा दिखा रहे हैं। मिशन उच्चतर माध्यमिक शाला में जिन भी विद्यार्थियों ने अध्ययन किया होगा, वे आज वाकई बहुत शर्मसार महसूस कर रहे होंगे कि उनके उन्होंने इस संस्थान में अध्ययन किया और यहाँ के अध्ययन का ही प्रतिफल था कि वे आज बहुत अच्छे मुकाम पर हैं और आज की भारत की नई पीढ़ी नौनिहाल आप देखिए किस तरह पानी से होकर गुजर रहे हैं। जिलाधिकारी क्षितिज सिंगल को चाहिए कि वे भी इस मामले में संज्ञान लें। विधायक दिनेश राय, उन्हें भी संज्ञान लेना चाहिए। वैसे अभी फिलहाल विधायक दिनेश राय रामकथा में लगातार ही व्यस्त चल रहे हैं, पर रामकथा के साथ में ये भी उनकी जवाबदेही का एक हिस्सा है। सिवनी शहर, याद पड़ता है कि जब यहाँ पर बाउंड्री वॉल टूटी थी और दिनेश राय विधायक नहीं बने, तो उन्होंने अपने खर्चे पर यहाँ बाउंड्री वॉल बनवाई थी। अब दिनेश राय को चाहिए कि वे, अगर नगर पालिका परिषद उनकी बात नहीं सुन रही है, वे मुख्य नगर पालिका अधिकारी के स्थानांतरण की अनुशंसा करें, क्योंकि अगर मुख्य नगर पालिका अधिकारी ही इसमें इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो फिर नगर पालिका कैसे चल पाएगी। और अगर नगर पालिका परिषद नहीं सुन रही, तो वे अपने खर्चे पर, जो सदा से वे करते आए हैं स्वयं के व्यय पर, नालियों की साफ सफाई जेसीबी से करवाएं। इस तरीके की बात भी जनता के बीच में चलती हुई सुनाई दे रही थी। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। देश के नौनिहाल किस तरह जान हथेली पर रख कर यहाँ निकल रहे हैं, वास्तव में ये एक बहुत दुखद तस्वीर है आजाद भारत की। भारत को आजाद हुए 7.5 दशक से ऊपर हो गए हैं, उसके बाद भी अगर यही स्थिति है कि आज़ाद भारत के, ये देखिए नाली हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ नाली के ऊपर दुकान और नाली के में कचरा आपको दिखाई दे रहा होगा। ये अगर यहाँ नालियाँ साफ हो जाएं तो इस तरह की स्थितियों से दो चार शायद ही हुआ जाएगा। दरअसल यहाँ पर ध्यान कोई नहीं देता है। वार्ड, जो जिस भी वार्ड में ये आता है, उसके वार्ड के पार्षदों को चाहिए कि वे भी इसके लिए नगर पालिका परिषद को पाबंद करें। देखा जाए तो जनता ने अपनी सुविधा के लिए उन्हें चुना है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। हम फिर हाजिर होंगे, फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।